क्या उस दो नंबर अरबी जहांगीर बिन सादिक के साथ मंगनी में तुम्हारी मर्जी भी शामिल है? तुझे क्या लगता है? अगर तेरी मर्जी शामिल ना होती तो कभी उसके नाम की अंगूठी ना पहनती। बता, तेरी मर्जी से हुआ है ना रिश्ता? डॉक्टर साहब कहाँ रह गए थे आप? कब से इंतजार कर रहा हूँ। ये कोई वक्त है डिस्पेंसरी में आने का? अल्लाह समझे आप डॉक्टरों को। जल्दी से आओ, मेरी गाय को चेक करो, दूध नहीं दे रही दो दिन से। शाबाश, दिखाएं जरा अपनी डॉक्टरी। कैसे दिखाऊं? अरे मैं जानवरों का डॉक्टर नहीं हूँ। दिमाग के अलावा इंसान और जानवरों का सारा सिस्टम एक जैसा होता है। बिस्मिल्ला करें, वो कानों वाली टूटियां लगाएं, अभी मालूम हो जाएगा कि खड़े खड़े दूध क्यों सुखा गई है। अरे भाई, इसे कहीं और लेकर जाओ, ये इंसानों की डिस्पेंसरी है, मैं जानवरों का इलाज नहीं कर सकता। इलाज नहीं कर सकते तो डॉक्टर किस चीज के हुए? आपसे अच्छा तो हमारा डॉक्टर अफजल खान है, वो बंदों के साथ साथ जानवरों का इलाज भी कर सकता है। अल्लाह ने बड़ी शफा रखी है डॉक्टर अफजल के हाथ में। अभी तक यहीं खड़ा है? तुझे बताया अभी था, नौफल साहब डंगा डॉक्टर नहीं है। सर आप जाएं, मैं समझाता हूँ। सर जाएं। क्यों खड़ा है यहाँ पे तू? हैं, चल तू रिहाने का रास्ता पकड़। तू वहां है डंगा डॉक्टर, ये असली डॉक्टर है बंदों के। चल जा, निकल। शाबाश, जाके मुंह देखो, आधे घंटे के बाद बकरियों के साथ भेजनी है। चल जा, शाबाश। अल्लाह जाने इनको अकल कब आएगी। सर आपको डंगा डॉक्टर समझ बैठे, अपनी गाय लेके यहाँ डिस्पेंसरी में आ गया। सर मैंने बात की है, सर आइंदा नहीं आएगा। अगर आएगा तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा सर, बस उसकी बात का बुरा ना मानना सर। नहीं, मैंने इतना भी बुरा नहीं बनाया था, मुझसे ज्यादा गुस्से में तो तुम लग रहे हो। गुस्सा क्यों ना करूं सर जी, खुदा गवाह है आप इन लोगों के काबिल नहीं है सर, वरना आपकी काबिलियत इन लोगों के काबिल। सर वो तो खुदा का शुक्र है आपके माँ बाप ने सीन पार्ट नहीं देखा सर, उनका तो कलेजा फट जाना था सर कि बच्चे को लाखों रुपए की तालीम दिलवा कर डॉक्टर बनवाया और ये केसर कला के लोग उसे डंगा डॉक्टर समझ रहे हैं। सर मेरे माँ बाप का मेरी तालीम पे एक रुपया खर्च नहीं हुआ, सारा स्कॉलरशिप ने कवर किया। अच्छा, आप सरकार के पैसों पर मुफ्त पढ़े, इसीलिए सरकार ने अब तक कर्जा वापस देने के लिए ना सर आपको इस दोजख में भेजा है। अस्सलाम वालेकुम, सरकारी डिस्पेंसरी केसर कला। क्यों बताऊं, वो जमाने गए जब बुलाने जाता था मैं। ये सरकारी डिस्पेंसरी है, कोई टेलीग्राफ का दफ्तर नहीं है। जितनी अयाशी करनी थी कर ली, आइंदा घंटी ना करना। ये जनाब डॉक्टर नौफल साहब का हुक्म है। कौन था सर? वो एक गांव वालों के रिश्तेदार हैं कराची में, वो घंटी करते हैं सर इधर। मैं जाता हूँ इनके चाचों मामों को बुलाने, पूरे गांव में सर एक ही टेलीफोन है, इधर सारी घंटी आती है सर। लेकिन आइंदा नहीं होगा सर, अब से बुलाना बंद। नहीं, अगर एक ही फोन है तो बुला दिया करो, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है सर, जैसे आपका होगा। बल्कि एक काम करो, मुझे भी इसका नंबर लिखवाओ, मेरे भी घर से कॉल आने होती है। अस्सलाम वालेकुम, सरकारी डिस्पेंसरी केसर कला। अच्छा, आधे घंटे में करना घंटी, बुलाता हूँ। अफजल खान, इसका डायल कहाँ है? सर डायल नहीं है सर, वन वे है सर, घंटी आती है जाती नहीं। अगर आपको अपने घर फोन करना है ना तो सर दरख्त पे ही चढ़ना होगा।